दोस्तों, जो लोग भी कंप्यूटर चलाते हैं वो एमएस वर्ड का इस्तेमाल जरूर करते होंगे लेटर टाइप करने के लिए। दोस्तों, उनको अक्सर एक समस्या से जूझना पड़ता है कि जैसे वो नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो यहाँ जो फॉन्ट आता है वो कोई डिफॉल्ट फॉन्ट आ जाता है ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये उसका साइज आ जाता है, और इसको बार बार हर बार चेंज करना पड़ता है जब आप नया वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, मुझे भी ये समस्या से जूझना पड़ा तो मैंने इसका एक सोल्यूशन खोज लिया है, वही मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप जो डिफॉल्ट फॉन्ट चाहते हैं, यानी कि मान लिया आपको यहां पर एरियल चाहिए और यहां पर 12 फॉन्ट चाहिए, हर बार जब भी आप नया डॉक्यूमेंट खोलें तो आपको एरियल और 12 फॉन्ट ही आए, यानी कि आपको बार बार बदलना ना पड़े, तो ऐसी स्थिति आप बड़े आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, उसी के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे कि आप नया नया जब इसमें वर्ड फाइल खोलते हैं, वैसे ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वर्ड की जो 2010 है और 2016 दोनों के लिए ये काम करता है, दोनों के लिए सूट करता है जो प्रोसीजर है, तो दोनों के लिए आप इसी प्रोसीजर को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ माउस ले जाते हैं तो आपको दिखेगा कंट्रोल शिफ्ट एफ, और यहां पर भी आप ले जाएंगे तो यहां पर भी वही दिखेगा। कहने का मतलब, चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एफ टाइप करना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए पी टाइप करना पड़ेगा, लेकिन आपको कंट्रोल शिफ्ट एफ से ही काम चल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुल गई। अब नई विंडो में ये जो एक लैटिन टेक्स्ट है इसके नीचे जो फॉन्ट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये अभी जो बॉडी प्लस बॉडी लिखा है, ये कैलिबरी प्लस बॉडी ये चीज लिखी हुई है बेसिकली ये। तो आपको मान लो एरियल करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद आपको एरियल खोज लीजिए या जो फॉन्ट आपको चाहिए वो यहाँ खोज लीजिए। अब खोजने के बाद यहाँ पर आप देखिए, आपको रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, क्या चीज चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे मैं रेगुलर ही रखता हूँ इसलिए मैं रेगुलर इसमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ फॉन्ट का साइज है, जैसे मुझे 12 करना है तो मैंने 12 सेलेक्ट कर लिया, हालांकि नीचे उसका एग्जाम्पल भी दे रहा है। उसके बाद दोस्तों, ये अभी काम की नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद कलर, अगर आप कोई करना चाहें फॉन्ट का कलर कुछ करना चाहें इसमें से चेंज, तो वो भी आप कर सकते हैं। अंडरलाइन जो अगर करना चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। जब आपकी पूरी सेटिंग फ्रेंड्स हो जाए तो आपको सिंपली ये सेट एज डिफॉल्ट में क्लिक कर देना है। तो सेट एज डिफॉल्ट में जैसे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों, दो ऑप्शन जो आएंगे इसमें, इसमें आपको एक होगा इसी डॉक्यूमेंट के लिए चेंज करना है, और ये होगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स अभी और जो बाद में भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। ऊपर ये भी देख लीजिए कि एरियल 12 पॉइंट होने जा रहा है इसकी जगह पे ये, तो ये हमारा, हमको एरियल 12 पॉइंट ही चाहिए और हमें फ्यूचर में भी चाहिए, इसलिए हम लोग नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद ओके में क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये ऑप्शन हो चुका है। अब हम क्लोज करके इसको दूसरा ओपन करते हैं एकदम नया, तो देखते हैं ये क्या होता है। दोस्तों, जो हम चाहते हैं वो होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग वर्ड पे जाएंगे और वर्ड ऐप पे जाएंगे, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन करते ही ये एरियल और 12 पॉइंट में ही आ रहा है। तो आपने देखा कैसे सक्सेसफुली हमने इस फॉन्ट को, डिफॉल्ट फॉन्ट को चेंज कर दिया। तो आप भी अगर इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको दिक्कत है, तो आप भी इस तरह से आप इसको चेंज कर लीजिए डिफॉल्ट फॉन्ट को। तो दोस्तों, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।